End of case. End of KD Pathak. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत का नंबर, इसका मतलब ये गद्दार है जहाँ पर सिर्फ एक की जीत हो सकती है। सबको लग रहा था इट्स अ लव ट्रायंगल एंड इट्स एक्चुअली अ स्पाई ऑपरेशन। चीनियों की साजिश हम में से एक उनके साथ। जी सर, ये देखिए, एक चाइनीज सोल्जर ने मुझ पे हमला किया था, उसी से सारी इंफॉर्मेशन मिली। ये तो अजीत और करण के फाइटर प्लेन के डिटेल्स हैं, ब्लूप्रिंट। जी। और ये मिसाइल्स के डिटेल्स, ये चीनियों के हाथों तक कैसे पहुंचे? इस नंबर से सर। और ये रही इनकी कॉल डिटेल्स। ये तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत सिंह का। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आपने अपना भरोसा गलत आदमी पर किया। अजीत एक गद्दार है। Yes? सर, केडी पाठक का प्लेन क्रैश हो गया है। What? क्या? और जो पायलट था उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन केडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है सर। Are you sure? Yes, sir. क्या हुआ सर? अधीरा, मिस्टर पाठक का प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन रवीश अपने आप को इजेक्ट कर पाया, वो बच गया। मिस्टर पाठक। क्या हुआ मिस्टर पाठक? सर, हमारी यूनिट पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओमेगा वन कमन, ओमेगा वन। केडी पाठक बचने ना पाए, केडी पाठक बचने ना पाए, गॉट दैट? तुमको पहले भी कहीं देखा है मैंने। And so one more thing, ये लापसा का बेटा है। उन तस्वीरों में तुम लापसा के बेटे हो ना? आप मेरे बाबा को जानते हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ कौन लाया? सर, वही जो आपको लाया, खुरनाक। खुरनाक? सर, ये लोग मुझे किडनैप करके मेरे बाबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने के लिए। मैं हूं खुरनाक, केडी पाठक। जानते हो मेरा नाम खुरनाक कैसे पड़ा? बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यह है अक्साई चिंग।
तुम तो जानते ही हो कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन का एरिया नहीं है। इस एरिया में एक किला है जिसका नाम है खुरनाक, जहां मेरा जन्म हुआ। मैं ना ही हिंदुस्तान का हूं, ना पाकिस्तान का, ना चीन का। मेरा मजहब, मेरी वफादारी बस एक ही तरफ है। जहां हो ज्यादा पैसा, जो भी मुझे ज्यादा कीमत देगा, मैं यानी खुरनाक उसका गुलाम। बहुत ही बड़ा खेल है केडी, और मैं तुम्हें इस खेल को बिगाड़ने नहीं दूंगा। कितने पैसे दिए चीन वालों ने तुम्हें? इतने कि तुम दूसरे जन्म में भी उसे गिन नहीं पाओगे। आ, आ, आ। इतनी आसानी से नहीं। मौत तब याद आती है जब मरने का मजा आता हो। अब ये जहरीली गैस इस माहौल को और भी रंगीन बना देगी। गुड बाय एंड गुड लक केडी पाठक। नो नो सर, सर ये फोन कॉल्स, ये मैसेजेस, ये मैंने नहीं किए हैं सर। सर ट्रस्ट मी, मेरा चाइना के किसी भी एजेंट के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेल फोन और मैसेज के जरिए उन तक पहुंचे कैसे? कहीं तुम भी तो इन्वॉल्व? सर, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। एक सोल्जर के लिए देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं। इसलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा, इस खबर के बाद इवन आई एम हेल्पलेस। अब मुझसे कोई हमदर्दी या मदद की उम्मीद मत करना। रही बात केडी पाठक की, तो एक वही आदमी था जो तुम्हें बचा सकता था, लेकिन अब उसका भी कोई नामो निशान नहीं। यू आर डूम्ड अजीत, डूम्ड। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा को देशद्रोह के लिए और अपने ही साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण पुरी की हत्या का दोषी मानते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कमीशन रैंक को वापस लिया जाता है। एंड यू आर डिसऑनरेबली डिसमिस्ड। ऑफिसर्स, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केस के सिलसिले में अक्षय चिन्ह के घटनास्थल का मुआयना करते समय मिस्टर केडी पाठक का प्लेन क्रैश हो गया। वो अभी तक लापता है, लेकिन कोर्ट मार्शल तो रोका नहीं जा सकता। इसलिए मिस्टर केडी पाठक की जगह सीनियर एडवोकेट मिस्टर रघुवंशी होंगे। केस विल कंटिन्यू मिस्टर गोयल, यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। पिछली बार प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर चुकी है कि अजीत ने अपने दोस्त
करण पर एयर अटैक किया मिसाइल से, जिसमें उनकी मौत हो गई। आई हैव सम मोर शॉकिंग न्यूज नाउ। हमें ऐसा लगता था कि इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये शायद जज्बाती हो गए, लव लॉस्ट। वी हर्ड कैप्टन दत्ता'स डॉटर अंजलि स्पीक इन दिस वेरी कोर्ट। अजीत ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। उसके बावजूद भी मिशन विजयपद से एक रात पहले अजीत ने मुझे कॉल किया था। तुमने मेरा प्यार ठुकरा कर ठीक नहीं किया अंजलि। इसकी कीमत तो अब किसी को चुकानी पड़ेगी और वो कीमत चुकाएगा तुम्हारा करण। ये कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस के रिकॉर्ड्स। उनसे साबित होता है कि ये चीनियों से मिले हुए थे। इन्होंने उनके साथ कोई डील की और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लगातार उन तक पहुंचा रहे थे और चीनियों के कहने पर ही इन्होंने अपने को फाइटर पर हमला किया। एक्सक्यूज मी कैप्टन गोयल, पर आप ये बात भूल रहे हैं कि इससे पहले लेफ्टिनेंट अजीत ने एक चीनी प्लेन को मार गिराया। That was just to fool us. इनका असल इरादा अपने को फाइटर को मारने का था, देशद्रोह। And that is an unpardonable offense. इसके लिए इन्हें जितनी कड़ी सजा दी जाए कम है। सर आप भले ही मुझे एयरफोर्स से निकाल दीजिए लेकिन मुझ पर ये गद्दार होने का कलंक मत लगाइए। इस कलंक के बदले मुझे मौत मंजूर है सर। यू डिजर्व इट। आपको इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मौत से बदतर जिंदगी, शर्म और जिल्लत की जिंदगी। सर मैंने कोई गद्दारी नहीं की, आई एम नॉट अ ट्रेटर। और मैं इस बात से सहमत हूं। केटी पाठक, क्षमा चाहता हूं, आने में थोड़ी देर हो गई। व्हाट कैन आई से, आई वाज टाइड अप। मैं हूं खुरनाक। अब ये जहरीली गैस इस माहौल को और भी रंगीन बना देगी। गुड बाय एंड गुड लक केडी पाठक। इथल साइनाइड, 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में यहां से नहीं निकले तो इट्स अ वेरी डेडली गैस। इस आदमी का हमने नाम तो जरूर सुना है लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए हम इसे हमेशा एक अफवाह समझते रहे, एक ऐसा छलावा जिसका कोई अस्तित्व नहीं। सर खुरनाक ना अफवाह है ना ही छलावा, कोई कड़वी खतरनाक हकीकत है। बस पूरे षड्यंत्र में उसी का हाथ है, उसी का दिमाग, जिसका प्रमाण है ये लड़का जो चरवाहे लापसा का बेटा है। ये आपके बेटे की तस्वीर है? मेरा बेटा है जिसे चीनियों ने खुरनाक द्वारा अगवा किया था। तो आपको लगता है कि लापसा पर दबाव था इसलिए उसने अजीत के खिलाफ गवाही दी? मिसाइल सिर्फ प्लेन की दिशा से आया था और किसी और दिशा से नहीं। नहीं नहीं, पीछे वाला प्लेन ने उसको शूट किया है। मैं आपकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ मिस्टर पाठक, बट जो सबूत हमें इनके खिलाफ मिले हैं उनका क्या? एंड प्लस ये मत भूलिए कि इन पर
देशद्रोह का सबसे संगीन इल्जाम है। राइट कैप्टन गोयल, लेकिन मिस्टर पाठक से मिली नई जानकारियों के हिसाब से इस केस का रुख बदल गया है, तो बाकी मेंबरान से मेरी ये गुजारिश है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कोर्ट मार्शल स्थगित की जाए। द कोर्ट मार्शल इज डिफर्ड टिल फर्दर नोटिस। थैंक यू सर। सर, आपकी सारी बातें सुनकर तो मुझे भी यकीन हो गया कि जरूर खुरनाक और चीनी लोगों की मिली जुली कोई चाल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है अजीत की यह बात अभी तक सिर्फ थियरी है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है मेरे पास, और कोर्ट मार्शल में तुम्हारे सीनियर्स मुझसे प्रमाण मांगेंगे। ये तो तभी हो पाएगा जब ये खुरनाक जो भी है उसका असली चेहरा हमारे सामने आए। मतलब ये कि वो नकाब पहना हुआ था अजीत। और नकाब व्यक्ति तभी पहनता है जब वो अपना असली चेहरा छिपाना चाह रहा हो, जिसका अर्थ ये निकलता है अजीत कि खुरनाक जो भी है कोई अंदर का ही है, एयरफोर्स का कोई अपना। सर, अगर ऐसी बात है तो आपको हमारे रेडियो ऑपरेटर झा से एक बार जरूर मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। एक्चुअली वो कल मुझसे मिलने आए थे। देखिए सर, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही सिवाय अजीत सर के, लेकिन मुझे फ्लाइट इंजीनियर मानव पर शक है। क्यों, क्या इस संदेह का कारण? सर, ऑपरेशन विजय पथ से एक रात पहले मैंने मानव को अजीत सर के प्लेन के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था। मानव, ये इतनी रात यहां क्या कर रहा है? ये बात आपने पैनल के सामने क्यों नहीं रखी? सर, मुझे लगा कि हो सकता है शायद मैं गलत हूँ और अपने साथी पे उंगली उठाने से पहले हजार बार सोचना चाहिए, इसलिए सर किसी को बताने से पहले मैं खुद से तहकीकात करने लगा। और कुछ जो आपकी जानकारी में बात आई हो? सर, जहां तक प्लेन्स और मिसाइल्स के बारे में मेरी जानकारी है, आई एम श्योर अजीत सर की मिसाइल के साथ टेम्पर किया गया था, क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो रडार में लेफ्ट मिसाइल की मैग्नेटिक फील्ड रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। Something was not right. Left missile. ये तो वही वाला मिसाइल है जिससे फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण का प्लेन उड़ाया गया। Yes, sir. मेम साहब, आज केडी साहब की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। मैं उनको कितना भी दुआएं दूं, कितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है मेम साहब, कम है। अगर आप वाकई उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो प्लीज हमें सच सच बता दीजिए, आपने उस दिन क्या देखा? उस दिन मैं अपना बेड को ढूंढने के लिए उन पहाड़ियों पर गया था। ए लालिया, लालिया, ए लालिया। फिर मैंने देखा कि अचानक आकाश में विस्फोट हुआ। मैंने देखा शायद पीछे वाला प्लेन से नीचे कुछ गिरा। हाँ, शायद नदी में कुछ गिरा। क्या गिरा? वो तो पता नहीं है मैम साहब, जब तक उस चीज को मैं ढूंढने के लिए वहां तक गया तो गायब हो गया, पानी के नीचे चला गया हो। और फिर लालिया, हे लालिया, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ और मैं जो तुम्हें कहूंगा वही तुम एयरफोर्स वालों को जाकर कहोगे, समझे? कहूंगा, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। नहीं, नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। आप जैसे बोलोगे वैसे ही बोलूंगा मैं वैसे बोलूंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैम साहब,
बेटे की जान की खातिर मैंने आप लोगों से झूठ बोला, झूठी गवाही दी। मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, लेकिन एक बात बताओ मैम साहब, सच कुछ और ही था। हाँ सच कुछ और ही था। उस रात मैं प्लेन के पास नहीं सर, मैं तो अपने क्वार्टर में था जहाँ सर को जरूर कुछ गलत फहमी हुई सर। ये ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने तुम्हें देखा था वहाँ यूनिफॉर्म में। नो सर, मैंने तो यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में डाल रखी थी और जब वो वापस आई तो भीगी हुई थी, इसलिए मैंने उसे पहने नहीं। भीगी हुई क्यों थी, बरसात हुई थी क्या उस रात? जी सर, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, क्योंकि अगले दिन जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी। क्या? सर अजीत सर का प्लेन हल्का सा राइट की तरफ टिलता, जो कभी नॉर्मली होता नहीं है। सर मानव बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस दिन मुझे भी लगा कि मेरा प्लेन एक तरफ टिल्ट हो रहा है, हालांकि मैंने उसे बैलेंस करने की काफी कोशिश की लेकिन। पर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट टिल्ट कैसे हो सकता है, तुम्हारे मिसाइल्स तो सारे लोडेड थे। जी बिल्कुल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों तरफ। फिर क्या? हाँ धीरा, क्या कि प्लेन से कुछ पानी में गिरा था? तुम रुको वहां गेस्ट हाउस में, मैं आता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लेन से कुछ पानी में गिरा था, तुम्हें आभास हुआ इस बात? मिस्टर पाठक जी सर, आप गेस्ट हाउस जा रहे हैं? जी सर, मेरी बेटी अंजलि भी वहीं जा रही है, आपको छोड़ देगी। थैंक यू, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। अंजलि बेटी आइए। अंजलि जी, ऐसा मत सोचना कि मैं आपके निजी मामले में दखल दे रहा हूँ, बस सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि अजीत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। वो सब मैं नहीं जानती सर, पर हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अजीत की वजह से ही करण की जान गई है। जी मैडम, गाड़ी यहीं रोक दो। जी सर, रस्तोगी आपको आपके गेस्ट हाउस तक छोड़ आएगा। थैंक यू थैंक यू। मैडम जी, आपका स्कार्फ। थैंक यू सो मच। मैडम जी बहुत अच्छी है, पर करण सर की मौत के बाद बड़ी चुपसी रहती है। रस्तोगी जी सर, क्या लगता है तुम्हें कौन होगा इस सबके बीच? सर हम तो नए हैं, हमें क्या पता, लेकिन सर आपने पूछा इसलिए हम आपको बताते हैं। अंजलि मैडम के जो पिता है ना, ग्रुप कैप्टन दत्ता जी सर, उनको ऑपरेशन विजयपथ के बाद से एक नई आदत सी लग गई है। और बोलो उनके बारे में। कुछ नहीं सर, बस सिगार बहुत पीते हैं। सिगार? नो थैंक यू सर। अच्छा हुआ ग्रुप कैप्टन दत्ता के बारे में याद दिला दिया तुमने, मैं तो भूल ही गया था। सर केडी पाठक बोल रहा हूँ। सर वो जो खुरनाक नदी है, अगर आप प्लीज मुझे दो गोताखोर दे दे जो यू नो डाइव करके वहाँ खोज कर सकें तो। जी जी, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू। रस्तोगी सर जी,
सर रेडियो ऑपरेटर झा, फ्लाइट इंजीनियर मानव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, शेफर्ड लापसा, ग्रुप कैप्टन दत्ता, सर इतने सारे लोगों के इतने सारे बयान, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुरनाक स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री सर। यू राइट अतीरा, वो इसलिए क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे कथन इस केस के अलग अलग भाग है, यू नो लाइक अ पजल। जब तक इन्हें साथ नहीं जोड़ेंगे पूर्ण सत्य सामने नहीं आएगा। हाँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट राविश, आइए आइए बैठिए प्लीज। कुछ पता चला फ्लाइट क्रैश क्यों हुआ था? यस सर, वजह बड़ी अजीब और खतरनाक है। वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ, उसे क्रैश करवाया गया। क्रैश करवाया गया मतलब? उसकी सारी डिटेल्स मैंने इस रिपोर्ट में लगा दी। सर्वप्रथम मैं पैनल के सामने अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस केस के फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे समय दिया। I like your confidence, Mr. Patak. अभी तो केस खत्म भी नहीं हुआ है और आप अभी से विनिंग स्पीच दे रहे हैं। Let me remind you, अभी आपको बहुत कुछ साबित करना बाकी है। जी 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 कैप्टन गोयल, और करूँगा। कुछ ही मिनटों में इस केस के घटनाक्रम की जो पूर्ण जानकारी है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, किंतु उससे पहले इस केस से जुड़े कुछ लोगों का कथन। जहां तक प्लेन्स और मिसाइल्स के बारे में मेरी जानकारी है, आई एम श्योर अजीत सर की मिसाइल के साथ टैम्पर किया गया था। जी सर, आई मीन मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, क्योंकि अगले दिन जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी। क्या? सर अजीत सर का प्लेन हल्का सा राइट की तरफ टिल्ट था। सर मानव बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस दिन मुझे भी लगा कि मेरा प्लेन एक तरफ टिल्ट हो रहा है। मैंने देखा शायद पीछे वाला प्लेन से नीचे कुछ गिरा। वो प्लेन क्रैश नहीं, उसे क्रैश करवाया गया। इंस्पेक्टर पैनल, ये उस एयरक्राफ्ट का चित्र है जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट राविश और मैंने सफर किया था, जो अकस्मात मध्य राह में, मध्य आकाश में मैलफंक्शन हो गया। इंजन्स फेल्ड, टर्बाइन्स फेल्ड, यहां तक कि मेरा सीट इजेक्टर भी नाकाम हो गया। जिसका कारण है ये ब्लैक बॉक्स। जो प्लेन के नीचे लगा हुआ क्या है ये? ये एक रिमोट कंट्रोल्ड मैग्नेटिक डिकोडर है जो हमारे प्लेन के नीचे लगा था। इससे रिमोट कंट्रोल द्वारा मध्य आकाश में ही प्लेन के सारे सिस्टम्स क्रैश कर जाते हैं। ये क्या? तो टर्बाइन्स फेल हो रहे हैं, दिस इज सैबोटाज, किसी ने प्लेन के साथ कुछ। ऐसा आविष्कार तो हमने पहले कभी देखा नहीं। जी कैप्टन गोयल, ये चीन में बना बहुत ही आधुनिक यंत्र है जिसका दोबारा इस्तेमाल हुआ था मुझ पर। प्रथम बार इस्तेमाल हुआ था फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के एयरक्राफ्ट के साथ। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के एयरक्राफ्ट का चित्र है जिसके साथ टैम्परिंग किया गया था घटना के एक रात पहले। असली मिसाइल निकाल कर उसकी जगह नकली डमी मिसाइल लगाया गया था, जिसके कारण एयरक्राफ्ट की मैग्नेटिक फील्ड्स और वजन दोनों में अंतर आ गया था, और इसके कारण फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के एयरक्राफ्ट का झुकाव एक तरफ हो गया था, जिसका कथन स्वयं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, रेडियो ऑपरेटर झा और इंजीनियर मानव ने भी दिया। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि असली मिसाइल निकालकर उसकी जगह नकली मिसाइल डाल दी, राइट?
जी सर। तो असली मिसाइल क्या हुआ? हाँ, असली मिसाइल इनके एयरक्राफ्ट से निकाल कर कुरनाक किले के पास पहुंचाया गया, जहां से उसे चलाया गया करण की एयरक्राफ्ट पर एक ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकी एयरक्राफ्ट पर टैम्परिंग किया गया था और नकली मिसाइल लगाया गया था, और फिर वही जो रिमोट मैग्नेटिक डिकोडर मैंने आपको बताया, उसके द्वारा इनका जो मिसाइल है, जो नकली मिसाइल था, उसे ट्रिगर किया गया और वो जाकर नदी में गिरी, ताकि जब इनके एयरक्राफ्ट की जांच हो तो नकली मिसाइल ना पाया जाए और सबको ऐसा लगे कि वो असली मिसाइल इनके एयरक्राफ्ट से ही चलाई गई थी। अमेजिंग थियरी। थैंक यू। असली मिसाइल चोरी करके उसी सीरियल का नकली मिसाइल जेट में लगाया, राइट, उसे प्लेन पे लोड किया गया और असली मिसाइल को ग्राउंड से फायर किया, नकली मिसाइल नदी में डाल दिया, ये कह रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू गॉट इट कैप्टन गोयल। और केवल इतना ही नहीं, ये सब करने से पहले किसी ने हमारे फाइटर प्लेन्स की ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो चोरी की, ताकि ये मिसाइल की नकली मिसाइल बनाई जाए और ये अदला बदली हो सके। किसने किया? अजीत ने, क्योंकि फोन तो इन्हीं का था। नहीं नहीं, फोन उसी का था, लेकिन कैप्टन गोयल, जब मिसाइल की क्लोनिंग हो सकती है तो एक फोन की क्लोनिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में तो वैसे भी सब कुछ क्लोन ही होता है। फैंटास्टिक। नकली मिसाइल, नकली फोन, अगर टेक्नोलॉजी इतनी ही आगे बढ़ चुकी है मिस्टर पाठक, तो फिर डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से फायर क्यों नहीं किया गया, इस डिकोडर से? हाँ कैप्टन गोयल, लेकिन ये इतना बड़ा काम डिकोडर द्वारा नहीं किया जा सकता था, इसमें एक आदमी का हाथ है। वो आदमी कौन? जाहिर है कि वो आदमी इनसाइडर है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी बाहर के आदमी को तो हो नहीं सकती। यू राइट, लेकिन अंदर का आदमी नहीं है, है बाहर का आदमी जो अंदर आ गया था। आई सी। तो अब हम एक ऐसे साए की तलाश कर रहे हैं जिसे किसी ने नहीं देखा, आई एम सॉरी, आपने देखा है, आपके अलावा किसी ने नहीं देखा। जी जी जी, कुरनाक। लेकिन अब देखेंगे आप, यहाँ इसी कक्ष में, कोर्ट मार्शल रूम में, हम सब देखेंगे उसे, सुनेंगे। कब? ग्रुप कैप्टन दत्ता सर। जी। क्या आपके एयरफोर्स बेस पर वायुसेना के नियुक्त ड्राइवर्स हैं? एक ड्राइवर है जिसका नाम किशन सिंह रस्तोगी है। जी हाँ, आप उनसे मिल चुके हैं? मैं तो मिला हूँ, अब हम सब फिर से मिलेंगे। सर, आपने हमें बुलाया? जी जी जी, आपको मैंने बुलाया। सुना है कि तुम कुछ समय पहले छुट्टी लेकर मुरादाबाद गए थे। हाँ सर, हमारे बहन की शादी थी तो 20 दिन के ऑफिशियल लीव लेके गए थे। फिर लौटे ही नहीं? लौटे नहीं। हाँ? सर, हम कुछ समझे नहीं सर, अब 21वें दिन ही वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिए थे। नहीं 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 नहीं, 21वें दिन पर तुमने ड्यूटी ज्वाइन की थी, रस्तोगी ने। मैं समझाता हूँ, तुमने ड्यूटी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही ऑपरेशन विजयपत से पहले षड्यंत्र बनाया, तुमने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के प्लेन से वो असली मिसाइल लेकर कुरनाक किले में गए और वहाँ से रॉकेट लॉन्चर द्वारा तुमने उस मिसाइल को लॉन्च किया, ताकि वो जा करके फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण की प्लेन पर लगे। सर आप... और केवल इतना ही नहीं, तुम ही ने मुझे मारने का प्रयास किया दो बार और असफल रहे। अब ये जहरीली गैस इस माहौल को और भी रंगीन बना देगी। सर आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ड्राइवर रस्तोगी नहीं हो, तुमने केवल पहले प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसका चेहरा छीना, तत्पश्चात ड्यूटी पर लौटने से पहले तुमने उसको अगवा किया, उसकी जगह लेकर ड्यूटी पर लौटे। तुम ड्राइवर रस्तोगी हो ही नहीं। तो ये आदमी कौन है? ये कैप्टन गोयल कुरनाक है। अब,
कौन खुरनाक? तुम खुरनाक? मैं किसी खुरनाक को नहीं जानता सर। सर हम रस्तोगी है। हाँ जी, तो अगर आप खुरनाक नहीं हो तो फिर ये दो चीनी गोताखोर आपके कहने पर वहां खुरनाक झील में क्यों गोताखोरी कर रहे थे? ये टूटी फूटी नकली मिसाइल निकालने का प्रयास कर रहे थे। फेक मिसाइल्स? इसका मतलब आपकी थ्योरी सच है। सर ये हमें फंसा रहे। सर आप फंसा रहे हमें। मैं फंसा रहा हूँ आपको? आप खुरनाक नहीं। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, आपको मैंने ही फंसाया। याद है उस दिन ग्रुप कैप्टन दत्ता के सामने मैंने कहा था कि मुझे गोताखोर चाहिए वहां से मिसल ढूंढने के लिए? आप वहां थे। सर केडी पाठक बोल रहा हूँ। सर वो जो खुरनाक नदी है, अगर आप प्लीज मुझे दो गोताखोर दे दे जो यू नो डाइव करके वहां खोज कर सके तो। जी जी। जानबूझकर कहा था मैं, ताकि आप सचेत हो जाएं और आप यही करें जो मैं चाहता था वो आपने किया। और मैं इसलिए जानता हूं कि आप रस्तोगी नहीं खुरनाक हो, क्योंकि आपके हाथ कांपते हैं। ये उसी दिन देखा था जब आपने मुझे मारना चाहा था। आपका स्कार्फ। रस्तोगी को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। देखिए सर हम खुरनाक नहीं है। आप रस्तोगी हैं? हमारे बहन के शादी के बाद हम वापस। कहाँ हुई थी शादी? इटावा। क्या नाम है बहन का? उर्मिला। आपसे उम्र में कितनी छोटी है? 3 साल। शादी कब हुई थी? 10 मई को। पति का नाम? मंगेश। अब पूछिए और। क्या बात है, शादी का पूरा कार्ड रट लिया। सिर्फ एक डिटेल रह गई जो शादी के कार्ड में नहीं लिखा होता है, लड़की की उम्र। रस्तोगी की बहन उससे 3 साल छोटी नहीं, 3 साल बड़ी है। हाँ मैं खुरनाक हूं। और मैंने ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, उस ड्राइवर का चेहरा अपनाया और उसकी जगह ली। चीनी सेना ने मुझे मिशन दिया था, कुछ ऐसा करो जिससे हिंदुस्तान की वायु सेना का सिर्फ मनोबल ही ना टूटे, बल्कि उन्हें इतना शर्मिंदा करो कि उनका एक दूसरे से भरोसा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इंजीनियर मानव के कपड़े पहनकर मैंने मिसाइल को बदला और इस तरह मैंने एक फाइटर पायलट के हाथों दूसरे फाइटर पायलट की जान। मेडे 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 फाल्कन 1 इजेक्ट करें। इजेक्ट। इजेक्टर नॉट वर्किंग। इजेक्टर नॉट वर्किंग। कोर्ट मार्शल जूरी का यह फैसला है कि खुरनाक के बयान के बाद उसे हिरासत में लिया जाए।
और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा पर लगे सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद है, इसलिए उनका रैंक और ऑर्डर को बरकरार रखते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.